सो व्हाट इज अप गाइस, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कन्वर्ट या एयरटेल 4G डोंगल इन टू वाईफाई हॉटस्पॉट या नेटवर्क होस्टेड नेटवर्क में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोड है, ये मैंने लिखे हैं, मतलब चुराए भी हैं, मतलब समझ लो। सो अभी इसको मैं कॉपी करूँगा और आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है और वीडियो के एंड में बताऊँगा आपको क्या क्या प्रॉब्लम पड़ सकती है ये करते वक्त। तो मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आप ये भी कर सकते हैं कि ये डाल के चेक कर सकती कि आपके ड्राइवर जिसको सपोर्ट करते हैं या नहीं। सो ये वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है, तो अगर यहाँ पे आप देख लोगे मोड सपोर्टेड यस, या फिर ये देख लोगे सपोर्टेड यस, या फिर होस्टेड नेटवर्क सपोर्टेड यस, अगर तीनों में से कोई भी है या फिर ये है, ये वाला मेन है होस्टेड नेटवर्क सपोर्टेड यस, सो आप ये कर सकते हैं। तो अभी मैंने तो ये आपका SSID रहता है, मतलब आपके वाईफाई का नाम, और ये रहता है ये जो की दिखाया है, ये रहता है आपका पासवर्ड, और ये रहता है SSID। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, अगर आपको बंद करना है तो यहाँ पे आप नॉन कर सकते हो। सो ये आपने पहले ही डाल दिया है माय पासवर्ड, आप चेंज भी कर सकते हो। तो अभी ये नेट SSLAN स्टार्ट होस्टेड नेटवर्क, तो अभी यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे और ये होस्टेड नेटवर्क चालू हो चुका है। तो अभी यहाँ पे अपन कंट्रोल पैनल खोलेंगे, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। कंट्रोल पैनल खोलने के बाद नेटवर्क इंटरनेट के बाद ये खोल लेंगे, ये खोलेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा लोकल एरिया कनेक्शन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये जो आपका एयरटेल है कनेक्टेड रहना चाहिए इंटरनेट से, जैसे मेरा है ये, यहाँ पे देख सकते हैं ये है। तो आपको शेयरिंग में जाना है, यहाँ पे अलो पे जाना है, यहाँ लोकल एरिया नेट कनेक्शन ये डालना है। और जब कोड डालने से पहले आप ये खोलोगे तो आपको ये लोकल एरिया कनेक्शन 12 नहीं दिखेगा, तो अभी ये दिखेगा। तो इसको ओके कर देंगे, ये कुछ पूछेगा तो ओके कर दो, कुछ नहीं होगा। जब यहाँ पे शेयर दिखाएगा तो मतलब आपका वाईफाई चालू हो चुका है, आपका होस्टेड नेटवर्क चालू हो चुका है, आप बिना किसी टेंशन के यूज़ कर सकते हो। और अब आते हैं प्रॉब्लम्स को वैसे, तो आपको ये कंट्रोल पैनल, ये तो बाद में बताता हूँ आपको, सबसे पहली बात आपको ये